उधर एक मौलाना का महापाप सामने आया। खबर है खंडवा से 6 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप मौलाना पर लगा। मदरसे में मौलाना ने यह छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी मौलाना को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो खंडवा से बड़ी खबर आई, यहाँ एक मौलाना पर 6 साल की बच्ची के साथ ये छेड़खानी का आरोप लगा। ये पूरा मामला खानशाह वाली क्षेत्र का है। आरोपी मौलाना अब्दुल समद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि उसने मदरसे में ही आने वाली एक 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। गुस्साए लोगों ने मोघड़ थाने का घेराव भी किया। उसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मोघड़ पे शिकायत की है, धारा 354 को पासपो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अब्दुल समद गिरफ्तार। हमारे संवाददाता इमरान खान इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, क्या जानकारी मिल रही इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खंडवा के खानसावली क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है, लड़की के जो बच्ची के जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि मस्जिद के पास जो है एक मदरसा लगता है, वो मदरसे में पढ़ने जाने वाली बच्ची के साथ जो है ये मौलाना ने अश्लील हरकतें की। इसकी शिकायत के बाद जो है मोगट पुलिस ने तुरंत जो है आरोपी मौलाना को जो है गिरफ्तार कर लिया है। 354 के साथ ही जो है पास्को एक्ट के तहत जो है आरोपी मौलाना के ऊपर जो है ये धाराएं लगाई गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों ने जो है मोगट थाने का घेराव भी किया था। पुलिस ने जो है बल का प्रयोग करते हुए वहां से भीड़ को शांत कराया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मैं आपको बता दूं कि मौलाना का जो है मेडिकल कराकर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर लोग जो है आक्रोशित थे और थाने का जो है घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद जो है वहां के लोगों की भीड़ हट गई है और भीड़ हटने के बाद ही जो है पुलिस ने तुरंत आनन फानन में एक्शन में जो है कार्रवाई करते हुए जो है मौलाना को गिरफ्तार किया। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।